हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शार्पलर्नर। पिलामने आज आम श्रेणी दशम अर्थनीतिर गोटे चैप्टर जार नाम हो आर्थनैतिक विकास किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू को आम आलोचना करवा पाने जो एमसीक्यू की पिलामने तुमको फॉर्मेटिव असेसमेंट वन परीक्षापी समेटिव असेसमेंट वन परीक्षापी समेटिव असेसमेंट टू ए समस्त परीक्षापी तुमको साहय कर तो कहीं मत वीडियो को न स्किप कर स्टार्टिंग पूरा एंड पर्यंत कंटिन्यू देखा। ओके पिला माने जो माने हमर चैनल पे न्यू व्यूअर हिचंदी से माने यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, पाके जो बेल आइकन सेटा को दबाई दियो, यह सहित ऑल नोटिफिकेशन तो क्लिक करो जहाँ आगामी समय जो भी किसी वीडियो अपलोड हम आम चैनल रे यह नोटिफिकेशन तुम्हें पाइपर। ओके पिला माने आउटे पिला माने मन रख तुम जो समेटिव असेसमेंट वन के जाऊँ नवेम्बर मासर लास्ट सप्ताह अर्थात चतुर्थ सप्ताह ऑफ नवेम्बर मंथ। ओके आरोप पे तुम टोटल 50 मार्क परीक्षा हे जो 50 मार्क की केवल आ केवल एमसीक्यू आसीबो अन्य कोनसी सब्जेक्ट भी आसीबो नाही, बुझी पारछो पिला माने। तो वर्तमान जो मानकर फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 सरी जाइछि आ जो माने की किछि प्रोजेक्ट वर्क किबा पोर्टफोलियो रे व्यस्त अछो किछि असुविधा नाही, तुम्हें से पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट भी करो ता सहित ए क्लास भी करि परो किछि असुविधा नाही, कारण क्लास रो टाइमिंग बहुत कम अटे। तुम रेगुलर स्कूल जो प्रकार क्लास होउछि आधा घंटा 40 मिनट लेखे तो से प्रकार नाही, हार्डली 15 मिनट किबा 20 मिनट, तो प्रतिदिन 15-20 मिनट समय दियो एवं निजर प्रिपरेशन को बेस्ट रख जहाद्वारा तुम समेटिव असेसमेंट वन में कौन प्रोब्लेम हम ना। ओके पे तो चलो स्टार्ट करवा आउ गोटे कथ पे मन रख ये हूँ पार्ट टू, पार्ट वन अलरेडी अपलोड हो सारी जो थे आम 20 प्रश्न आलोचना करते आज आम 21 नंबर प्रश्न रु देखा। देख पे 21 नंबर प्रश्न अच्छी कहूँजे निम्नलिखित मधुर के एक विकासोन्मुखी देशर लक्षण नुहे, विकासोन्मुखी देशर ऑप्शन ए मुंड पिछाय कम, जीवनधारण मान अति कम, जनसंख्या वृद्धि, उन्नत जीवन जापन प्रणाली। तो पे आ भितर कौटा विकासोन्मुखी देशर लक्षण नुह, विकासोन्मुखी देश पे मान रख सारा पृथ्वी को दुईट देश में विभक्त कर गोटे विकसित देश आ गए विकासोन्मुखी देश, जो देश अधिक डेवलपमेंट कर सारी जो देश लोक ने सुख स्वाच्छंद रोचे साधारण विकसित देश होता आकाशोन्मुखी देश में केवेद उन्नत जीवन जापन प्रणाली आसीबो नाही, बुझी पार्छना एटा विकसित देश रे आसीबो, तेणु यह राइट आंसर होउछ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंडो पिछा आय किपरि निरूपण करा जाय, पिला माने जातीय आय को जनसंख्या द्वारा गुणिकी, जातीय आय को जनसंख्या द्वारा हरिकी, जातीय आय को जनसंख्या द्वारा मिसैकी, ना जातीय आय को जनसंख्या द्वारा फेडिकरी। तो कौन कले पिला माने मुंडो पिछा आय बाहरिबो कौन कले पिला माने पे राइट आंसर होउछ ऑप्शन बी, जातीय आय को जब आम जनसंख्या द्वारा हरवा बेले ऑटोमेटिक मुंड पिछा आय बाहरी पड़। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे कहल केन्द्रीय परिसंख्यन संस्था अनुजाई 2003-04 मसीह भारत जातीय आय केते कोटी थिला। ओके तो केन्द्रीय परिसंख्यन संस्थार अनुजाई 2003-04 मसीह भारत जातीय आय केते थिला, 12,66,003, 12,64,004, 12,65,005, 12,66,005। तेब आ भितर कौटा थी भारत जातीय आय पे ये पे मन रख 12,64,004 कोटी यहाँ मत 12,00,000+ कोटी सब जगह 12,00,000+ कोटी दे। ओके केवल 12,00,000 टा ना के पे पे राइट आंसर होउछ ऑप्शन डी, 12,66,005 कोटी। अच्छा पे कहल 2021 मसीह भारत जो जातीय आय केते अछि कमेंट कल कि जान परा 2021 मसीह यहाँ तो 2003-04 मसीह कथा कहला मीनस आज की प्राय 17-18 वर्ष तलर कथा कहूँ तो 17-18 वर्ष तले भारत आय थिला 12,66,005 कोटी, 1 कोटी 2 कोटी मिलकर 12,00,000 कोटी पाखापाखी 12,00,000-13,00,000 कोटी आम कही पारा। तो बर्तमान 2021 मसीह भारत आय केत अच्छी जातीय आय पे भारत जो जातीय आय अच्छी साधारण कह जाए जीडीपी बोली कह जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बुझी पार्छ ना। तो बर्तमान केत अच्छी भारत पे मन रख भारत बर्तमान अच्छी 200 लक्ष कोटी के 200 लक्ष कोटी, बुझी पार्छना 200 लक्ष कोटी यहाँ हूँ 12,00,000 कोटी तो यहाँ 12,00,000 टा एवं के 200 लक्ष तो केते गुणा देख बढ़ुची। नेक्स्ट क्वेश्चन देख केन्द्रीय परिसंख्यन संस्था अनुजाई 2010-11 मसीह
ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ କେତେ କୋଟି ଥିଲା? ଦେଖ 2003-04 ଥିଲା, ଏବେ 10-11 ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ 48,85,954 କୋଟି ନା 49,84,955 କୋଟି 49,85,956 କୋଟି 48,84,955 କୋଟି। ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ହେବ? 2010-11 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ କେତେ ଅଛି? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 48,85,954 କୋଟି 2010-11 ମସିହା ବେଳକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2003-04 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ପିଲାମାନେ କେତେ ଥିଲା? 36,770 ଟଙ୍କା ନା 36,871 ଟଙ୍କା 36,872 ଟଙ୍କା ନା 36,873 ଟଙ୍କା? ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ଥିଲା? କେତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 36,871 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 2003-04 ମସିହାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 2010-11 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେତେ ଥିଲା? 51,331 ନା 52,331 ନା 53,331 ନା 54,331? କେତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 53,331। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନେ କହିଲ କେଉଁଟି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ, ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ରେଳ, ଆ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଭାଗଟା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନି? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ତ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନେ କହିଲ କେଉଁଟି ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଉଦାରୀକରଣ ଯେଉଁ 1991 ଅଣାଯାଇଥିଲା ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି, ଓକେ, ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ, ସାମାଜିକୀକରଣ, ଜଗତୀକରଣ, ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ନଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ଜଗତୀକରଣ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ନଥିଲା କେଉଁଟା? ନା ସାମାଜିକକରଣ। ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1991 ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କମିଗଲା? 1991 ଯେଉଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଅଣାହେଲା ପିଲାମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା କେତେ ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଇଥିଲା? 0.7%, 0.8%, 0.9%, 0.6%। ତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଇଥିଲା? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 0.8%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1991 ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପିଲାମାନେ? 1991 ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? 10%, 11%, 12% ନା 13%? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 12%। ତ ମନେ ରଖ 1991 ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 12%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବିଶେଷତଃ କେଉଁ ଦେଶରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଖାଉଟି ସେବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଗରୁ ପଡ଼ୁଛେ, ଭାରତ ନା ମେକ୍ସିକୋ ନା ଚୀନ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା? ତ କେଉଁ ଦେଶର ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଖାଉଟି ସେବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ, ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ, ଦେଶରେ ବହିରାଗତ ଆୟ, ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା। ତ ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜନସଂଖ୍ୟା। ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ,
मोड जाति आगे निर्णय करने कि समस्त जिनस गुड़िक ए बी सी आवश्यक पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 1951 मसीह भारत जाति आय केते कोटी थिला पिला माने 1951 मसीह भारत जाति आय केते कोटी थिला बार लक्ष सॉरी 1,23,262 कोटी 1,30,123 कोटी 1,31,235 कोटी ना 1,32,367 कोटी तो केते थिला पिला माने 1951 मसीह पिलामाने राइट आंसर होचो ऑप्शन डी 1,32,367 कोटी थिला। अच्छा पिलामाने कहिलो आर्थनीतिक विकास कहिले तुम्हें कौन बुझो बा आर्थनीतिक विकास कहिले मुख्यतः केउ अभिवृद्धि को बुझाई थाए सामाजिक अभिवृद्धि आर्थनीतिक अभिवृद्धि राजनैतिक अभिवृद्धि ना नैतिक अभिवृद्धि तो केउ अभिवृद्धि को दर्शाई थाए आर्थनीतिक विकास बहुत सहज पिलामाने कोठा पा पिलामाने राइट आंसर पहले राइट आंसर हम ऑप्शन बी आर्थनैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा केउ देश एक विकासमुखी देश अटे कौ देशटा पे एक विकासमुखी देश अटे फ्रांस ना इंग्लैंड ना भारत ना जापान ता भितर केउ देश विकासमुखी देश अटे पे राइट आंसर होचे ऑप्शन सी भारत। भारत होचे विकासमुखी देश फ्रांस इंग्लैंड हो कि जापान हो एगुड़िक विकसित देश। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न केउ अर्थव्यवस्था रे लाभ पाइबार लक्ष्य रखी कार्य करा जाय थाए केउ अर्थव्यवस्था रे केवल लाभ को आख्या के रखी कार्य करा जाय थाए समाजवादी उदारवादी मिश्रवादी ना पूंजीवादी तो केउ अर्थव्यवस्था रे लाभ पाइबार लक्ष्य रखी कार्य करा जाय थाए कोढ़ा पिला माने राइट आंसर पिले माने मन रख केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रे लाभ को आख्या के रखी काम करा जाय थाए तो मन रख पिले माने पृथ्वीर गोटे देश नाम हूँ आमेरिका जहाँ को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोले आम कहे तो से देशर अर्थव्यवस्थार मानने से देश कौ प्रकार अर्थव्यवस्था को अवलम्बन करंजीवादी भारत हूँ मिश्र अर्थव्यवस्था। ओके मिश्र अर्थ हूँ पे पूंजीवादी समाजवादी सबूक मिसामिशी केत मसीह भारत में नूतन आर्थिक नीति प्रणयन कराइला यह आम आगु पढ़ी सारे 1985 मसीह नूतन आर्थिक नीति प्रणयन कराइला कि ना 1988 ना 1990 ना 1991 पाने बहुत सरल प्रश्न अटे केते मसीह नूतन आर्थिक नीति प्रणयन कर पाने प्रश्नर सठिक उत्तर होंगे ऑप्शन डी 1991 तो 1991 मसीह नूतन आर्थिक नीति प्रणयन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 मसीह सुधा पृथ्वीर केतोटी देश विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य थे पे 2016 मसीह सुधा पृथ्वीर केतोटी देश विश्व वाणिज्य संगठन विश्व वाणिज्य संगठन अर्थ हो पाने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो सदस्य थे 95 जन 204 जन 164 जन 215 जन सॉरी 115 जन तो 95 204 164 115 तो केते जन विश्व वाणिज्य संगठन रो सदस्य थे 2016 मसीह सुधा पहले राइट आंसर होचे ऑप्शन सी 164। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख उन्नत ज्ञान कौशल प्रयोग पई कृषक मानक केउ स्तर रे तालीम देवर व्यवस्था अछि उन्नत ज्ञान कौशल प्रयोग पई कृषक मानक केउ स्तर रे तालीम देवर व्यवस्था अछि पिला माने राज्य स्तरीय ना ब्लॉक स्तरीय ना जिला स्तरीय ना ग्राम पंचायत स्तरीय तो केउ स्तरीय ज्ञान कौशल पई से मानक तालीम देवा को पड़िबो पिला माने राइट आंसर होछ ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख निम्नलिखित मधुर केउटी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित और परिचालित एक उत्पादनकारी संस्था अटे पे आ भितर कौटा सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अटे सरकार द्वारा परिचालित भी अटे आ जोटा कि गोटे उत्पादनकारी संस्था अटे बजाज टाटा रेल विभाग रिलायंस तो आ भितर कौ विभाग पे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित आ परिचालित पे तुम समस्त जान थो बजाज टाटा रिलायंस ये जगह सब प्राइवेट कंपनी अटे सरकारी संस्था अटे रेल विभाग। ओके पिला पे प्रकार आम 21 नंबर प्रश्न रु 40 नंबर प्रश्न अर्थात पाखापाखि आम 20 प्रश्न ये भिडियो देखिले नेक्स्ट भिडियो आम 41 नंबर प्रश्न आलोचना करवा। ओके पे जब भिडियो भल लगे निहत गोटे लाइक कर निज सांगसाथी भितर भिडियो को सेयर कर आ चैनल को सब्सक्राइब कर। ओके पे जब आहरी अधिक जोड़ापी चाहूँ तेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम ग्रुप अच्छी देन व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी तो से ग्रुप्र लिंक क्लिक करूँ
ଆପଣ ଜଣାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ, ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ।